हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे फैक्टर्स जो कि इस वीक के लिए आपकी जो है आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपकी इन फैक्टर्स पे पूरी नज़र होनी चाहिए। ये वीडियो मैं हर संडे आपसे शेयर करता हूँ ताकि इस वीक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें और इस वीक के लिए आप प्रिपेयर हो सकें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी नज़र बनाए रखना है। और क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेड लेने वाले हैं, ये वाले फैक्टर्स को अगर आप देख के ट्रेड लेंगे तो आप एक सटीक तरीके से जो है एक मार्केट को पता लगा पाएंगे। ये ना हो कि आप एक ट्रेड ले लिया आपने और उसके बाद कोई मेजर अनाउंसमेंट या मेजर जो है मेजर कोई न्यूज़ आने वाली है और आपने ट्रेड ले लिया और उसका इफेक्ट आपके ट्रेड पे आए। तो दोस्तों, ये इसमें देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है दोस्तों, सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका है इसमें देखिए जो रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अभी क्या हुआ था कि निफ्टी जो है वो 265 पॉइंट की उसने रिकवरी दिखाई और 11,000 का जो लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो साइकोलॉजिकल लेवल उसने पार कर लिया। और वो इस वजह से पार किया क्योंकि मार्केट को एक होप है कि गवर्नमेंट जो है वो एक रिवाइवल के, जो इकोनॉमी जो इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है उसको, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो मेजर्स है वो लेके आएगी। और मार्केट और जो कॉर्पोरेट्स हैं और सब जो है वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं कॉर्पोरेट्स की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। और सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं कि जो भी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, जैसे आपका ऑटो का सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हुआ है, आपका कंजम्पशन का सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हुआ है, तो इनके लिए कुछ स्टिमुलस पैकेज जो है वो शॉर्ट टर्म में लाए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो FPI का, जो फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर के ऊपर सरचार्ज लगा दिया था, उन पर एडिशनल टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण जो FPIs हैं वो यहाँ से पैसा विड्रॉ करके दूसरी इकोनॉमीज़ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया जो है अब फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं लग रहा है, उसको रोल बैक करने की बातें की जा रही हैं। इसके ऊपर अभी कोई सटीक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी न्यूज़ नहीं आई है कि इसको वो रोल बैक करेंगे या नहीं करेंगे। और जो ऑटो कंपनीज के लिए कहा जा रहा था कि GST, जो GST आपका व्हीकल, कोई भी आप स्कूटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, उसके ऊपर जो भी GST लगता है उसको भी कट करने की बातें करी जा रही थी कि गवर्नमेंट उसको भी कट करेगी, ताकि थोड़ा जो ऑटो की सेल्स जो इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं, पिछले महीने के जो नंबर्स आए थे आपने देखा ही था कि कितनी ज़्यादा 20% जो है डिक्रीज़ हुई है ऑटो की सेल्स, उसको मार्केट को रिवाइव कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड इकोनॉमिक पैकेज जो है मार्केट में ज़रूरत है, जो कि एक जो सेक्टर में जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ है उस चीज़ को केटर करने के लिए। और गवर्नमेंट जो है, देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं काम करती इस चीज़ों पे, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव काम करती है। तो ये वाली क्योंकि गवर्नमेंट देखती है कि इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है, तो ही वो कुछ पॉजिटिव जो है कुछ न्यूज़ लेके आती है उसको रिवाइव करने के लिए, नहीं तो वो चाहती है कि अपने आप ही कैपिटल मार्केट्स जो है चलती रहे। प्रधानमंत्री ने भी ये जो है बात जो है स्वीकारी है कि हाँ, अगर उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए मार्केट में आपका डिसइन्वेस्टमेंट जो ये जो पब्लिक सेक्टर PSUs हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट उनका, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट का हेल्दी स्टेट में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है चाहती है कि वो रिवाइवल पैकेज लाए। अब ये रिवाइवल पैकेज एक्सपेक्टेड था कि इस वीकेंड पे कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगी, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है। और एक्सपेक्टेड है कि ये रिवाइवल जो है वो मंडे को या ट्यूसडे को कुछ छोटी मोटी अनाउंसमेंट आ सकती है, क्योंकि जो अभी जो है प्रधानमंत्री जो है वो कश्मीर के इशू में उलझे हुए थे, तो उसके बाद अब उनका ध्यान जो है अब इस पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के ऊपर आया है और मीटिंग्स काफ़ी हो रही हैं, वीकेंड पे भी मीटिंग्स हुई हैं जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा। और ये वाली न्यूज़ पे आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए कि मंडे ट्यूसडे में क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। न्यूज़ बिना दोस्तों, इस आज की डेट में अगर कोई ट्रेडर कहता है बिना न्यूज़ के वो ट्रेडिंग, बिना न्यूज़ को देखे या बिना न्यूज़ को सुने आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि देखिए न्यूज़ का रोल रहता है। निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो रोल रहता है, अगर छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसमें आप
कर सकते हैं उसमें, वो एक अलग चीज़ है कि छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आधा से 1% एक स्टॉक में निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी का डायरेक्शनल व्यू लेके चल रहे हैं और आप देखते हैं कि निफ्टी में कोई एक पक्की डायरेक्शन आपको देखने को मिले, तो वो डायरेक्शन को असेस करने के लिए, उस डायरेक्शन को भांपने के लिए जो है आपको आपको पहले से जो है न्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। दूसरी जो मेजर चीज़ है दोस्तों, यूएस चाइना की ट्रेड टेंशन, ये हर वीक ये एक कॉमन पॉइंट होता है मेरे जो भी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ ये वाले, उसमें ये कॉमन पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यूएस चाइना की ट्रेड वॉर चलती है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है आपका ग्लोबल ट्रेड पे आता है और ग्लोबल ट्रेड पे ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे आता है, और यूएस चाइना की जो ट्रेड टेंशन है उससे ग्लोबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो इसकी वजह से देखिए अभी रिसेंटली चाइना की जो करेंसी है युआन, वो 7 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे चली गई है, जो कि 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे भी नीचे के लेवल पे आ गई है। और चाइना की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और देखिए यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला था कि वो जो टैरिफ्स, जो टैक्सेस एडिशनल लगाएंगे चाइनीज़ गुड्स पे, वो 15 तक कर दिए उन्होंने ईज ऑफ, जिससे कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो है थोड़ी संभली। लेकिन जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो 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 वो टॉक्स चल रहे हैं, जो वार्तालाप चल रही है, वो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही है। दोनों यूएस और चाइना ने एग्री करा है कि हाँ हम इन टॉक्स को रिवाइव करेंगे। और देखिए जो चाइना ने अभी यूएस पे भी ब्लेम लगाया कि जो हांगकांग में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और चाइना वहाँ पे, चाइना का एक प्रोविंस है वहाँ पे, उसका काफ़ी सारी चीज़ें चाइना मैनेज करता है हांगकांग में, जैसा कि आपको पता होगा। और देखिए इस पे यूएस में उन्होंने जो वो लगाया कि यूएस उसको स्पॉन्सर कर रहा है हांगकांग के प्रोटेस्ट को, और इसके बदले में उन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। तो ये ट्रेड वॉर रुकने वाली नहीं है दोस्तों, इस चीज़ पे आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए कि ये ट्रेड वॉर की जो भी कोई न्यूज़ आ रही है, जैसे एक रात पहले कोई न्यूज़ आती है तो उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलोअप करें और अगले दिन जो है प्रॉपरली निफ्टी का ट्रेंड देख के ही जो है आप अभी एज ऑफ नाउ जो है मैंने प्रोसीडिंग्स आपको बता दी हैं, लेकिन आपका आज रात को क्या आता है तो आप इस आपकी पूरी नज़र इस पे होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अर्निंग्स का जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो अर्निंग्स जो लार्ज कैप और मिड कैप्स हैं उन्होंने अपनी अर्निंग्स जो है डिक्लेयर कर दी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई है जून के क्वार्टर की। और कुछ कंपनीज़ हैं जो रह गई हैं जिन्होंने अपनी अर्निंग्स अनाउंस करनी है, जिनमें से देखिए ये मैं आपको ये कंपनीज हैं, उनमें से सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, क्वालिटी, ऑप्टो सर्किट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वलेचा इंजीनियरिंग, जिलेट, ये जो कंपनीज हैं। और ये जो लिस्ट है ये आपके सामने, ये आपकी डेट्स के साथ है, 19, 20, 21, 22 और 23 को इन कंपनीज की अर्निंग आएगी। और देखिए आरबीआई के जो मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स हैं वो भी अगस्त 21 को रिलीज होंगे, और जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स का डेटा है वो अगस्त 16 को आएगा, जो अगस्त 16 को एंड हुआ है उसका डेटा अगस्त 23 को आएगा। तो इन चीज़ों पे दोस्तों आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, थोड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अर्निंग्स अपनी डिक्लेयर करनी है। उसके बाद दोस्तों क्रूड ऑयल और रुपी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो अभी $60 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है हमारी मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं उसका 85% जो है वो इम्पोर्ट्स जो है वो ऑयल इम्पोर्ट्स होते हैं। तो हमारे ऊपर जो इम्पोर्ट का बिल होता है वो सबसे ज़्यादा ऑयल की वजह से आता है, तो ऑयल की प्राइसेस अगर कम होते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इसके पे पूरी नज़र होनी चाहिए कि जो ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर है, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है ऑयल प्राइसेस का, वो कैसे बिहेव करता है। $60 पर बैरल अभी प्रेजेंट रेट चल रहा था अभी फ्राइडे का, और ये
20% गिरा हुआ है 2019 में जो इसने पीक बनाई थी अप्रैल में। और यहाँ पे ये गिरा क्यों है दोस्तों, क्योंकि डिमांड बहुत कम हो रही है, और दूसरी चीज़ ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है इस समय, ग्लोबल स्लोडाउन। क्योंकि देखिए जो आपके यूएस के जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो पे आ गए हैं, और एक रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है यूएस पे, और यूएस बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड में भी एक स्लोडाउन चल रहा है दोस्तों। और रुपी रुपी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और 6 मंथ के लो पे है। रुपी जो है 71.40 जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर चल रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ये डेप्रिसिएशन है ये जा सकती है 72-73 के लेवल्स पे, क्योंकि यूएस चाइना की ट्रेड टेंशंस और वीकनेस जो चाइनीज़ युआन करेंसी है, उस चाइनीज़ युआन करेंसी में जो वीकनेस है उसमें, और जो डोमेस्टिक स्लोडाउन चल रहा है दोस्तों उसमें। तो ओवरऑल ग्लोबल और डोमेस्टिक इकॉनमीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है FIIs का सेलिंग का पॉइंट, और ये मेजर पॉइंट है। ये देखिए 12,000 के लेवल पे जब निफ्टी था तो वहाँ से FIIs ने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। बजट में जो मैंने फिर से ये पॉइंट बता रहा हूँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर एडिशनल सरचार्ज गवर्नमेंट ने लगा दिया था। और देखिए यहाँ पे देखिए 1600 करोड़, यानी देखिए 1600 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी थी, लेकिन ओवरऑल देखिए ओवरऑल जो इस वीक में सेलिंग हुई है वो 363 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स की हुई है। और अगस्त मंथ का जो टोटल आउटफ्लो है, अगस्त मंथ में जितना पैसा FIIs हमारी मार्केट से निकाल के लेके गए हैं वो 9000 करोड़ लेके चले गए हैं, और जो पिछले 3 मंथ में है दोस्तों वो 20000 करोड़ है। तो यहाँ से पैसा काफ़ी जा रहा है, तो आपका FIIs की सेलिंग के जो इक्वेशन चलती है डेली के डेली उस पर भी पूरी नज़र आपको बनाए रखनी है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं, और इससे ये 5 पॉइंट्स पे आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये बहुत निफ्टी के ट्रेंड को एक सेट करते हैं, और अगर निफ्टी का ट्रेंड सेट हो जाए और निफ्टी में आप अच्छा ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इंडाइसिस को, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि 80% ऑफ द स्टॉक्स हैं जो वो निफ्टी के साथ साथ ही मूव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू दोस्तों।